हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? होप सब अच्छे होंगे और ठंडी का मज़ा ले रहे होंगे, है ना। ठंडी ने तो सबकी बैंड बजा के रखी हुई है ना। तो इस ठंडी में हम अभी फ़िलहाल गांव आए हुए हैं और गांव में बना रहे हैं गर्मा गर्म आलू के पराठे, वो भी चूल्हे पर। ठंड में चूल्हे पर खाना बनाने का अपना ही मज़ा है, ठंडी भी नहीं लगती और खाना भी बन जाता है। और चूल्हे पर बने खाने में जो स्वाद है ना, वो गैस पर बने हुए खाने में कहाँ है। जिन्होंने चूल्हे का खाना खाया है उन्हें जरूर पता होगा। चूल्हे पर मैं एकदम गरम गरम और बड़े बड़े आलू के पराठे बना रही हूँ। गैस पर आँच उतनी होती नहीं ना, तो उस पर छोटे छोटे पराठे बनते हैं, पर चूल्हे पर तो एकदम बड़े बड़े पराठे आराम से पक जाते हैं। ये माही हमारे देख रहे हैं, अभी एकदम शीतलहर का समय है, लेकिन चूल्हा जो जल गया है ना अंगद में, तो वहाँ पर ठंड नहीं लग रही है। ये माही बेचारे रोने लगे हैं। बच्चों की आदत होती है ना, जब भी मम्मा कुछ काम में बिजी हो तो वो ज़्यादा रोने लगते हैं उनका ध्यान खींचने के लिए। ये देखिए मुँह में पानी आया। एकदम फूले फूले आलू के पराठे निकल रहे हैं। आलू का पराठा बनाने के लिए भरते में लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च और कलौंजी डालकर, और नमक हल्दी तो है ही, ये सारी चीज़ें डालकर आलू को फ्राई कर लेती हूँ। उबले हुए आलूओं को, और ये इस तरह से भर के बेल लेती हूँ। एक्स्ट्रा आटा जो है वो हटा देती हूँ। इस तरह थोड़ा हथेलियों से पतला कर देने से ना आलू का जो मसाला है वो अच्छे से फैल जाता है पराठे में चारों तरफ। मेरे पराठे कैसे बन रहे हैं कमेंट में जरूर बताना। हम आलू के पराठे में सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं, इससे ज़्यादा टेस्टी लगता है। कैसे फूल रहे हैं एकदम गुब्बारे की तरह। आलू का पराठा हो, गाजर का हलवा हो, तो फिर ठंडी मज़ेदार हो जाती है। ये माही हमारे एंजॉय कर रहे हैं आलू का पराठा। तो
आप भी बनाइए अपने घर में आलू का पराठा, खाइए खिलाइए, ठंडी के मज़े लीजिए। गुड बाय, टेक केयर।